मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 119 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट लिखिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू आर हैप्पी एंड हेल्थी। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप लोग खुश होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। टुडे लेट अस रिकैप द लेसन अ लिटिल फिश स्टोरी बाय आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलिए लिटिल फिश की जो स्टोरी है उसको हम लोग रिवाइज करते हैं, रिकैप करते हैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर देके। रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड टेक द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चंस को पढ़िए और सही क्वेश्चन को टिक कीजिए। देयर आर डैश ऑफ फिश इन द सी, तो क्या आ जाएगा, मिलियंस। द लिटिल फिश वॉज वेरी, तो क्या आ जाएगा, अनहैप्पी। ठीक है, क्यों थी, क्योंकि वो बहुत छोटी थी। यहाँ क्या लिखते हैं, द अपोजिट वर्ड ऑफ नथिंग, नथिंग का अपोजिट क्या हो जाएगा, एवरीथिंग। ठीक है, सॉरी। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, रीअरेंज द लेटर एंड टू मेक द मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द फॉर्मेट। ठीक है, अब इससे आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। अब देखिए इसमें एम तो है नहीं, तो मॉर्निंग तो नहीं होगा। अब ये भी W से है, ये भी W से है, लेकिन इसमें देखिए D है, तो इसमें D भी नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये वार्मिंग होगा। ठीक है, तो इसे वार्निंग कर लेंगे। अब यहाँ लिखा है द मीनिंग ऑफ सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड का मतलब क्या होता है, सेटिस्फाइड का मतलब होता है ठीक है, मान जाना। तो इसका आंसर आप लोग लगा देंगे कॉन्टिनेंट। ठीक है, यहाँ लिखा है राइट अ लिटिल फिश स्टोरी। लिटिल फिश स्टोरी किसने लिखी है, तो आप टिक कर दीजिए, इसके राइटर ये हैं। अब यहाँ लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट कॉम्पिटेटिव वर्ड। ठीक है, माय बुक इज देन योर, तो क्या आ जाएगा, बिगर। ठीक है, मेरी बुक बड़ी है तुम्हारी बुक से, कर लेंगे। चलिए तो अच्छी वर्कशीट को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। अच्छी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।